मैंने साहिबा एडिट भी कर दिया, मैं आपको दिखा दूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? I really don't know bro, सेना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, because 1 million comment ना बहुत ज़्यादा होते हैं guys. कल Cyber 2 का release है guys. So hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys. आज इस vlog की शुरुआत बहुत बहुत ज़्यादा special है. आप लोगों को पता guys, हमारी bro सेना की merch launch हो रखी है, but सब लोग खरीद रहे हैं, but मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ guys, जो बहुत special है और उन्होंने ना अब भी हमारी merch buy करी है. Check this out guys, क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है भाई, राहुल मनास. राहुल भाई हमारे इंडियन आर्मी में, राइट? यस 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 ब्रो, यस. एंड ये पोस्टेड है अभी जम्मू में. बहुत प्राउड मोमेंट है भाई मेरे लिए कि मतलब सच्ची बता रहा हूँ कि आप इतना टाइम निकाल करके हमारी वीडियोस, और मेरी इनसे बात हो रही थी अभी, इन्हें सब कुछ पता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या चल रहा है जिंदगी में. बहुत प्राउड हूँ भाई मैं. नहीं बट मेरे लिए बहुत प्राउड बात है सच्ची में कि आप अपने टाइम निकाल करके, इतना एफर्ट्स डाल करके, आप जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं तो इट रियली मींस अ लॉट फॉर मी भाई. अरे भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, पहले नहीं फॉलो करता बट रिसेंटली 2 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और एक भी व्लॉग ऐसा नहीं जो मैंने ना देखा हो. भाई really means a lot. मैं जम्मू आता तो भाई मिलता हूँ for sure आपसे. फिर आप हमारे कल वाले vlog में आएंगे, हाई कर दीजिए सब लोगों को. वेलकम टू ब्रो सेना. चलो चलो. सो हेमलो जी गाइज, वी केम बैक टू आवर होटल रूम. एंड मैं आपको बता देता हूँ आज का व्लॉग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल साइबर 2 का रिलीज है गाइज, एंड मैंने व्लॉग लाइव करा गाइज, उसके बाद मैं डायरेक्ट घर में आ गया था. फिर ना भव्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसका बीपी वीपी लो हो गया था, एंड अभी ये जूस पी करके सही है फिलहाल गाइज. ये जो ऑर्डर्स आए उनकी कन्फर्मेशन ले रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों को आज भी हम लोगों ने कॉल करा. आने वाले टाइम में ना बस थोड़ा सा सब्र रख लेना, जिन जिन लोगों के ऑर्डर कन्फर्म हुए ना हम लोग उन्हीं के ऑर्डर्स ले रहे हैं. बट एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये कंसर्न थे कि बाबू भैया हम लोग उन टॉप 1000 लोगों में आ पाए नहीं आ पाए. मैं आपको एक चीज बता देता हूं गाइस, हम लोग लास्ट 100 लोगों के लिए ना वेबसाइट और खुली रखेंगे. अगर आपका वेबसाइट से ऑर्डर कंफर्म हो गया तो वेल एंड गुड गाइस, इसके बाद हम लोग पूरी वेबसाइट और पूरी मर्चेंडाइज बंद कर देंगे. मैंने 1000 लोग बोला था, बट इतना प्यार है ना, इतने लोग प्यार करते हैं कि हम लोग लास्ट 100 लोगों को और ले रहे हैं. तो आई गेस जब तक ये ब्लॉग आएगा, अगर तब तक वेबसाइट खुली रही तो बढ़िया, जाके ऑर्डर कंफर्म करवा लेना. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन उन 1000 लोगों को. आपके पास अगर वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है तो टीम से ना विद इन अ वीक कॉल कर लेंगे हम लोग. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, हम लोग केवल 4 लोग मैनेज कर रहे हैं, मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ, प्रणा भैया का काम भी है. ये लोग तो सुबह से शाम तक केवल फोन पे लगे रहते हैं, उसके अलावा ये बिल्कुल भी फोन से हटते नहीं है. फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल मेरे को उड़ीसा निकलना है टेडएक्स के इवेंट के लिए. सो मेरे को ना अपना मेकओवर कराना था, हम लोग मर्ज के सीन में इतना बिजी थे कि हम लोग बाहर नहीं जा पाए. सो हम लोगों ने भैया को घर में बुला लिया. एंड आई थिंक इज गाइस अभी हेयर कट और सेटअप रूम में ही हो रहा है, सो वो करवाते हैं और सिनेमैटिक चेक करें आप, क्योंकि सुंदर दिखना है कल टेडएक्स के इवेंट में. टेडएक्स एक बहुत बड़ा सपना था यार मेरी जिंदगी का. सोचा तो श्योर था मैंने कि एक दिन टेडएक्स पे जाकर के स्पीच दे रहूंगा, बट इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था. फिलहाल सिनेमैटिक चेक करेंगे. पागल हो रखा है, कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे को नॉर्मल है जो ऐसा हो रहा है. सब मैं मोड़ दूंगा, मान जाओ. नॉर्मल तो नहीं यार भाई, नॉर्मल है, सच्ची बता रहा हूँ, नॉर्मल है. नहीं ऐसे इतना नहीं है, नॉर्मल है जितना आप सोच रहे इतना नहीं है. हाँ सच्ची में ये नॉर्मल है भाई. मतलब भैया ऐसे है ना कि बड़े वाले बाल तो गिर रहे हैं, बट नए बाल भी आ रहे हैं, राइट? है ना, इसे फट्टे पे बिठा दो भैया, वो जो चेयर पे नहीं बिठाते तो बच्चों. गाइस सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ना एयरफॉल हो रहा है, और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना. पता है क्या सीन है, दुबई का पानी इतना गंदा है ना सच्ची में. आज भाई दुबई का पानी ना बहुत गंदा है, और मैं तो मेरे तो ट्रिप्स भी ऐसे हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन. भले ही मैं नहा थोड़े कम दिन रहा हूँ, बट ये सीन है कि महीने महीने में दो बार. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. सो गाइस बाबू भैया हो चुके हैं एकदम सुंदर, और ये भैया आए थे जिन्होंने हमारा काम करा. थैंक यू सो मच भैया, अगली बारी पे हम आपसे ही काम करेंगे, ठीक है? ओके बाय बाय.
सो हेमलो जी, रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट गाइस 2, एंड आप लोगों को पता है गाइस कल साइबर रिलीज होने वाला है। बहुत बड़ा बेंचमार्क है मेरे लिए ये गाना, बिकॉज आई नेवर थॉट कि साइबा 1 इतना ट्रेंडिंग जाएगा। गाइस साइबा 1 पर हम लोगों ने 500,000 कमेंट का एम रखा था और साइबा 2 पर हम लोगों ने 1,000,000 कमेंट का एम रखा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेंचमार्क है। आई रियली डोंट नो ब्रो सेना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बिकॉज 1,000,000 कमेंट ना बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। फिलहाल आज ना मैं म्यूजिक वीडियो एडिट कर रहा हूँ गाइस, एंड मैं आपको ना थोड़ा सा इंट्रो दिखा देता हूँ म्यूजिक वीडियो का। गाना ना कल रिलीज होगा एग्जैक्ट 3:44 PM पे, सो थोड़ा बहुत चेक कर ले गाइस, और कमेंट सेक्शन में को बताना कि साइबर 2 की स्टोरी कैसी यार। बस यार मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज द थिंग इज गाइस इस कहानी में ना बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस इस गाने को ड्रॉप करने के लिए। फिलहाल अभी रात के बज चुके गाइस ऑलमोस्ट 2, एंड मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, तो हम लोगों को एयरपोर्ट एटमोस्ट लाइक 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट 3:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे ताकि हम लोग एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएं। 1 घंटे का काम और है गाइस आज, लेकिन दुख 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 हो रहा है गाइस, बिकॉज आज मेरा ना टेडएक्स का भी एक स्पीच है। भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो स्टॉक करा है बाकी सारी जगह भी इंटरव्यूज दिया है, बट टेडएक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है गाइस बात करने के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट गाइस। फिलहाल अभी बस एडिट करता हूँ गाइस और फिर तैयार होते हैं थोड़ी देर में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4, एंड बाबू भैया आजकल बहुत जल्दी उठ रहे हैं, सो ही नहीं रहा हूँ एक्चुअली, काम इतना ज्यादा हो रखा है। बट गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ और ये दो लोग भी मेरे साथ सामान सुमान, मतलब हर्ष का तो क्या ही बोला, हमने रिलेटेड कर रहा था, बट भव्या मेरे साथ सामान सुमान पैक कर रही है। भगवान भगवान गाइज ऐसी बहन सबको दे, मतलब थोड़ा सा कम परेशान करने वाली थी और को, मेरे को तो इतना परेशान करती है ना सुबह इसकी, रोके तो दिखाओ थोड़ा सा। बीपी लो रखा था मेरा भाई, सुबह ने गाइज इसका बीपी लो, रो रही भाई अंदर आकर के रो रही है, जब इसकी तबीयत खराब होती ना फिर तो इन मैडम के बीपी लो है इसका। मेरा तूने मेरा बीपी लो था, मेरे को ना मुझे पता रहता है मेरा बीपी अभी भी लो होगा, बट मेरा बीपी अभी लो होगा, और जब लो से लो जाता है ना, जब लो से लो होता है ना तब जाके मेरा मुझे फील होता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, कि मेरे को ऐसे मेरा उठने की हालत नहीं थी पता है, तभी मैं लेटी। हाँ मेरी बहन को कुछ मत बोल, मेरे को पता रहता है अपना कि मेरा बीपी कब लो होगा। खाने का इस होटल का खुद के खाने का बिल खुद ही पे करेगा, तुम मत देना ठीक है। मेरी बहन है भाई मेरे पास है पेमेंट वो सारा मैं रख लूंगी, वो कार्ड ये ले ले, कार्ड आराम से ले ले, कार्ड वॉलेट भी रख, कैश भी है, कुछ तो फिर मैंने ना कल वाली फ्लाइट आज ही करा लिया, बट आज 28th February है, एंड आज सुबह ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा गाइज। द थिंग इज गाइज फरवरी ना आखिरी दिन में खत्म हो जाएगा, कल 1st March है साइबर रिलीज होने वाला है। इस व्लॉग का पूरा मोटिव केवल 1,000,000, क्या लगता है भव्या लोग कर देंगे 1,000,000 कमेंट? 1,000,000 आराम से कर देंगे। हर्ष क्या 1,000,000 से तो ऊपर जाएंगे, ट्रेंडिंग है ये गाना तो, ट्रेंडिंग तो है बट 1,000,000 कमेंट पता है ना कितने होते हैं, और ब्रोसेना है तो फिर कुछ भी हो सकता है गाइस, मुझे भरोसा है अपनी ब्रोसेना पर। बट द थिंग इज गाइस 1,000,000 कमेंट ना बहुत बड़ा एम है, आई होप हो जाए। फिलहाल मैंने ना कैब बुक करा लिया गाइस ओला से, ये लोग मेरे को ड्रॉप करने जा रहे थे बट अननेसेसरी के जाते फिर वापस आते, मैं जाऊंगा तो ये लोग आराम से सो भी जाएंगे। हमारे दूसरे वाले भाई ना अभी नए ज्वाइन हुए तो उन्हें थोड़ा सा थकान हो रही है अभी, क्योंकि हमारे शेड्यूल्स बहुत ऑफ है। फिलहाल कैब आ गए नीचे, तुम्हारा तो कुछ काम नहीं है, तो ओ भाई आप ही की बात कर रहे थे भाई हम, मैं छोड़ के आऊंगा। अरे क्या मंगा दिया है सच्ची में, अरे उसके साथ क्यों जा रहे हो, तो चलो हम तीनों चलते हैं। ऐसी सिक्योरिटी भाई, ऐसे ऐसे भाई भी सबको दे, मैंने बोला था ना चल रहे हैं, बट अननेसेसरी का क्यों जाओगे, क्या बात चुके गाइस नीचे चलते हैं। और फिर भाई क्या पागल हो गए क्या, मेरी वो हो रही है क्या, मेरा विदाई हो रही है क्या, मेरी छोड़ क्या होगी। और वो चेक करो गाइस हमारी थार, देख रहे हो अलग ही अलग ही दिख जाती है गाइस, वो रही हमारी बाबू भैया वाली थार, लेट्स गो। तो यार मैंने कर लिया रूम चेकआउट, ये लोग दिन में निकलेंगे, कितने बजे निकलोगे तुम लोग? मॉर्निंग में निकलेंगे आराम से ना 10-11 बजे, 12 बजे से पहले तो उठोगे नहीं, मतलब लेट ही निकलना, फिर 10-11 बजे निकलोगे, बहुत ट्रैफिक है दिल्ली का, ट्रैफिक ऑलरेडी नो गाइस अभी सुबह ना, आई होप मुझे ट्रैफिक ना मिले, बिकॉज मेरे को ना ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाना है सुबह, एंड 2-3 घंटे सो भी लूंगा बिकॉज आज बहुत काम है गाइस, मेरा इवेंट ऑलमोस्ट 2 बजे से शुरू हो रहा है, एंड फिर मैंने ना शायद पूरी भी जाना है, बिकॉज लास्ट टाइम यू रिमेंबर जब मैं पूरी गया था ना तो उसके बाद जिंदगी पलट के रह गई थी, इस टाइम भी मैं सोच रहा हूँ गाइस अगर टाइम मिल गया से चला जाऊंगा मैं। ओके गाइस बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आराम से आना कर, कोई दिक्कत होगी तो बताना, और सो जाओ तुम, सो नहीं रखे हो, गाड़ी भी चलानी है, बाय बाय, डोंट मिस मी।
साइबर 2-1 मिलियन 10-10 कमेंट करना है तुम लोग भी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से एंड एयरपोर्ट यहाँ से लगेगा ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा भैया एयरपोर्ट पहुँचने में? आधा घंटा लगेगा। तो अभी फिलहाल हो रहे गाइस ऑलमोस्ट 3:54, 4:30 तक हम लोग एयरपोर्ट पहुँच ही जाएंगे। मेरी फ्लाइट ना 7 बजे की है बट मेरा बोर्डिंग 6 बजे शुरू होगा तो पहुँच जाएंगे। फिलहाल ये चेक करो गाइस, बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रही है। लेट्स गो। तो हेमलो जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर एंड सुबह सुबह ना एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ है यार। इवन डोमेस्टिक स्टेशन पे इतनी भीड़ होने लगी है ना आजकल। मैंने ना एयर सुविधा पे ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया था, सो एयर सुविधा पे स्कैन कराते हैं और एयरपोर्ट चेक इन करते हैं यार। तो यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो ना तो एक ऐप आती है डिजी यात्रा, उसे डाउनलोड कर लेना। जितनी भाड़ लंबी लाइन है ना आपको वहाँ से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस फोन में ना अपनी फ्लाइट की डिटेल या फिर बोर्डिंग पास अपलोड करना होगा एंड यू कैन ईजिली चेक इन। मुश्किल 2 मिनट लगे एयरपोर्ट चेक इन करने में एंड पूरा टाइम बच गया। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आज मैं ना प्रीमियम इकोनॉमी में फ्लाई कर रहा हूँ। मैं अभी तक इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा था बट दिस इज गोना बी माय फर्स्ट टाइम प्रीमियम इकोनॉमी में विस्तारा से ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक सो मुझे ना चेक इन कराने की जरूरत है, मेरे पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी आ रखा है, सो मैं डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक पर जा रहा हूँ यार। लेट्स गो। तो गाइस बाबू भैया ट्रैवल कर रहे हैं प्रीमियम इकोनॉमी में 2 मिनट में, वो देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। मैं ना नॉर्मली इकोनॉमी से ट्रैवल करता हूँ बिकॉज यू नो गाइस मिडिल क्लास फैमिलीज तो आपको पैसे बचाने होते हैं, बट ठीक है गाइस कभी कभी स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इतना कमा लिया कि वी कैन इजीली ट्रैवल ऑन बिजनेस क्लास, बट ठीक है गाइस जहाँ से आपकी रूट है वो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। बट थोड़े महंगे टिकट्स के फायदे रहते हैं कि आपका एयरपोर्ट पर टाइम बच जाता है। फिलहाल गाइस मैं आपको बता रहा था अभी हम लोग जाने वाले डिजी यात्रा से, यहाँ से हमारी लाइन भी अलग होगी और सिक्योरिटी चेक भी जल्दी हो जाएगा। सो स्कैन कराते हैं और सीधे अंदर चलते हैं यार। तो हेमलो जी फाइनली गाइस हम लोगों ने चेक इन कर लिया था और मैं आपको बता रहा था मुश्किल 20 मिनट लगे पूरे चेक इन एंड सिक्योरिटी चेक में, जो कि अब तक का मेरा फास्टेस्ट चेक इन था। मैं आपको बता देता हूँ गाइस एयरपोर्ट का आधा स्टाफ तो मेरे को जानते ही है, कोई ना कोई हेल्प आउट कर देता है, कभी कोई सिक्योरिटी चेक में कभी कोई चेक इन में। सो आई रियली फील प्राउड कि भाई सब काम ना ईजी हो जाते हैं। फिलहाल अभी हमारा गेट नंबर है 44, इट्स गोना टेक लाइक अनदर 2 मिनट्स ऑफ वॉक। बस गाइस यहाँ पर ना ये कार्ट कूट दे देना ट्रैवल करने के लिए तो मस्त हो जाए, पैदल चलना पड़ता है सुबह। और तो शुक्र है गाइस मेरा गेट 44 है तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो अगर 62 या 70 में पड़ता ना तो फिर कम से कम 15-20 मिनट की वॉक है। हमारा गेट ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, मैं वहाँ पर पहुँच करके साहिबा की बाकी एडिट डपटाऊँगा। आज के लिए बहुत काम है गाइस, बहुत ज़्यादा काम, बट वैसे गाइस मेरे को साहिबा पे 1 मिलियन कॉमेंट देखने हो जाए। फिलहाल पहुंचते गाइस और एडिट करता हूँ यार मैं। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए तेरे सदके उतारे। सो गाइस वी फाइनली बोर्डेड द प्लेन एंड मैं पिछले 48 घंटों में से केवल आधा घंटा सोया, वो भी एयरपोर्ट पे। इतना रश था ना, फिलहाल मेरी टेडएक्स की टीम से बात हो गई है, वो लोग एयरपोर्ट पे मेरे को पिक करने आ जाएंगे। 2 घंटे की फ़्लाइट है, 7 बजे हम लोग यहाँ से फ्लाई करेंगे एंड ये 2 घंटे में चित होकर के सोने वाला हूँ। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है बट आज का दिन ना बहुत रश होगा बिकॉज 7 बजे मैं लैंड करूँगा, 9 बजे तक आई गेस आई विल बी एट द वेन्यू एंड फिर 2 बजे मेरा सेशन शुरू है, तो मुझे 2 बजे तक आज का व्लॉग एडिट करके भी डालना है। मैं जा रहा हूँ गाइस सोने के लिए, आप बाहर सिनेमैटिक चेक करो और सीधा मिलते हैं गाइस भुवनेश्वर आपसे। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उड़ीसा। भाई साहब लास्ट के 12 घंटे मेरे लिए इतने एग्जॉस्टिंग थे ना। फिलहाल मेरी भी टीम से बात हुई गाइस, सो दे हैव कम टू पिक मी अप एंड मैं एयरपोर्ट से जस्ट बाहर ही निकल रहा हूँ, तो मिलते हैं गाइस टीम से एंड देन लेट्स गो टू होटल। क्या हाल चाल? यू आर फ्रॉम टीम राइट? यू आर फ्रॉम द टीम राइट? यस। लेट्स गो। इट्स ऑल गुड। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बनाए। सो हेमलो जी फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके थे उड़ीसा एंड द थिंग इज गाइस हम लोग पहुंचे थे और गेस हु इज कॉलिंग अस, इकरा इज कॉलिंग अस। गुड मॉर्निंग बेबीज। याद हूँ कि नहीं मैं हूँ, बस घोड़े बेच करके सोती रहती हो, ये नहीं कि कॉल कर लूँ। कल साहिबा आने वाला है बेबीज। कौन है साहिबा? 2.0 हम दोनों की लव स्टोरी। मैंने साहिबा एडिट भी कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? दिखाओ। अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, मतलब अभी चल रही है प्रोसेसिंग। क्या लगता है 1 मिलियन कॉमेंट कर पाएंगी कल ब्रोसेना? मेरी नींद खुलने दो नानू।
मैं पूछ रहा हूँ कल साहिबा पे 1 मिलियन कमेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे। तुम तुम्हारे तुम्हारी बात तो वैसे भी मान लेती है भरोसे ना। आपने एक स्टेटस लगाया तो हुआ था कि 2 मिलियन भी कर देंगे तो कर देंगे, आपको क्या टेंशन है। ओ भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, बट मुझे ये है कि रिकॉर्ड बहुत बड़े ब्रेक कर रहे हैं ना हम लोग, औकात से बाहर वाले रिकॉर्ड। 1 मिलियन कमेंट पता है कितने होते हैं, 5 लाख बोले थे, 8 लाख कर दिए। अभी 1 मिलियन का तो अभी टीजर भी लॉन्च करना है शाम को। 50 लाख मेरे सब्सक्राइबर और 10 लाख कमेंट आ रहे हैं, वाओ। ओके गाइस, ओके मैं भी आज से वो कभी सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल शुरू कर रहा हूँ। फिलहाल गाइस ये वाला ब्लॉग ना यहीं पर खत्म करना है इकरा के साथ। कल साइबर 2.0 आने वाला है गाइस। 1 मिलियन कमेंट बोल दो इकरा एक बार लोगों को कि 1 मिलियन कमेंट कर देना। 1 मिलियन कमेंट कर देना। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस। तेरी आँखों में बसता है।